भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला एवं महानगर की संयुक्त बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया की अध्यक्षता में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता अंत्योदय पर कार्य करती है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना और सशक्त भारत का निर्माण करना ही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। आम जनमानस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास पर पूर्ण विश्वास किया है, क्योंकि भाजपा सरकार ने भय, भूख, भ्रष्टाचार का खात्मा किया है। उन्होंने कहा, देश का सौभाग्य है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि गर्व की बात है। देश महाशक्ति की ओर अग्रसर है। भारत पुनः विश्व का सिरमौर बनने जा रहा है। आज संपूर्ण राष्ट्र भारत को महाशक्ति के रूप में देख रहा है। विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की सूची में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिने जा रहे हैं। ये हम सभी देशवासियों के लिए परम सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर भाजपा महानगर महामंत्री इंद्रमणि, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जीत बहादुर पासवान, KM मछवार, अमृतलाल, ओम प्रकाश सोनकर, कृष्ण कुमार, संजीव पासवान सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी चौरसिया ने कहा, करके उनको बैठ करके चूंकि समय समय पर सारे नियोजित राजनीतिक दल मलिन बस्तियों में जाकर के इन योजनाओं को लाभ दिलाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आप आगे से लगकर के अनुसूचित जाति मोर्चा जो हमेशा हमारे साथ काम करते हैं, साथ में भारत माता की जय, भीमराव अंबेडकर अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता कार्य समिति की अध्यक्षता कर रहे अनुराग मझवार जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। वास्तव में उत्तर प्रदेश में एक शक्ति के रूप में काम कर रही है। राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम कर रहे हैं, बिना अनुसूचित मोर्चा के सहयोग के किसी भी प्रकार की सरकार बनना संभव नहीं है। निश्चित रूप से ये समाज देश के उत्थान के लिए काम कर रहा है और देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हम आज के कार्यक्रम में जो पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किया है, उसके बारे में और आगे जो हमारे कार्य होने हैं, उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज के इस कार्य समिति में उत्तर प्रदेश का विकास कैसा है। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था कैसी है। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार के कितने अवसर आए हैं। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का कितना विकास हुआ है। अभी आज ही हमारे देश में, हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश का बजट आप सबके सम्मुख रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा गोरखपुर जिला और महानगर के संयुक्त तत्वाधान में आज कार्य समिति का आयोजन किया गया है। हम अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं। आगे हमने जो पीछे दिनों में हमने काम किया है, उस पर हमने चर्चा की है। आगे के दिनों में हमें जो काम करने हैं, उसके बारे में हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया है। इसी में कार्य समिति में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के विकास और उससे जुड़ी हुई तमाम सी बातों पे हमने अपने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है। बजट में जो अच्छे बातें हैं उनको हमने बताया है। हमने G20 जो गोरखपुर में भी एक उसका स्थान होने वाला है, गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे
आयोजित करेगा उसके बारे में भी अपने कार्यकर्ताओं को बताया है। आज के अवसर पर मैंने सभी कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारे संविधान प्रेमी जिनके नेतृत्व में संविधान बना बाबा भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में भी हमने यहाँ चर्चा की है। अनुसूचित मोर्चा अच्छा काम कर रहा है गोरखपुर में, और भी अच्छा काम करे। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनके सहयोग से आवे, इसके लिए हम लोग आज अपने कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे भी इनको योजना और रचना में सहभागी बनाएंगे और काम करेंगे।